चल रहे हैं, आज बना है ढोकला, तो मम्मी पापा पीछे बैठे हैं, उनको दे दें। मामा भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। वाओ, घूम रहे हो मामा से आज मजे मजे में। लग रहा है आज बारिश वरिश होगा। नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तुम्हारा तुम ही तो हो। हम हैं। टीकू मिट्टी में मजा आ रहा है। टीकू, तो यहाँ पे मैं पीछे आई हूँ, थोड़ा सा हवा चल रहा था तो फ्रेश एयर लेने के लिए। और यहाँ पे पापा थोड़ा सा गाय के लिए चारा भी लगाए हैं। और इतनी सारी खाली जगह हम लोग की पड़ी हुई है, और इसमें कुछ ऐसे ही जंगली जंगली जमे हुए हैं अपने मन से। और इधर तो सब जामुन वगैरह लगा हुआ है, दो एक साल में जामुन भी निकलने लग जाएगा, तो फिर और मज़ा आएगा खाने में। तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। वाह यमन, वाह मेरा भतीजा बना दिया, वाह कितना बढ़िया लग रहा देखने में भी। गोल्ड काफी ले आओ, ले आओ, बैठ। वाह कितना टेस्टी लग रहा है गोल्ड काफी, बनाया है यमन मेरा भतीजा। वाह भतीजा होने का कुछ तो फायदा हुआ, बना रहा है सब। और अपना हमारा वाला कहाँ है? तुम ही लोग भी। अच्छा ये मेरा वाला है, टेस्ट करके देखना है कैसा बना है। क्रीम है। मेरे भतीजी नहीं है, तो मेरे जो भतीजे हैं वो भतीजियों का मेरे कमी पूरी करते हैं। तो मेरे भतीजे ही किसी से कम नहीं है, वो आज मेरे लिए कोल्ड काफी बनाया था, सच में बहुत टेस्टी बना था। क्या बन रहा है आज? रिक्वेस्ट बाबा बाबा। और इसमें बाबा इधर भुना रहा है, और खा भी चुके हैं हम। ये तो इसमें क्या क्या डाली हैं आप? थोड़ा सा चटनी डाली है। एक मिनट एक मिनट, क्या क्या डाली बताइए? सरसों, गरम मसाला, जीरा, खटाई, लहसुन, मिर्चा, नमक स्वाद अनुसार, ठीक है, जीरा, मरीच, लहसुन, मिर्चा, गरम मसाला, खटाई, सरसों, छह चीज। तो आज हमारे यहाँ रिक्वेस्ट के पत्ते की पकौड़ी बनी थी, तो भाभी सच में आज बहुत टेस्टी बनाई थी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा सरसों डाली थी, और जो उसमें मसाले गरम मसाले मिलाई थी वो पहले से पीस के रखी हुई थी, गरम मसाले वो मिलाई थी, तो बहुत टेस्टी लग रहा था। गुड़िया कौन लाया था मामी? मामी गुड़िया कौन लाया था? बुआ लाई थी, बुआ चिकुला मांगो तोड़ो। चलो रुक जा नमन, तुम रुक जाओ। अरे रुक जाओ, पका वाला तोड़ने दो, चुप बंद लगा देना। ले आ चिकू, तुमको पहचानता है। बस टूटो नहीं, रुक जाओ, उसको लेके मत कूदो गिर जाओगे। तुम्हारे लिए चिकू अभी छील के देंगे, इस पेड़ का आम सबसे अच्छा होता है, गुठली बहुत है लेकिन एकदम टाइट होता है, मीठा होता है। चलो छिल के खा जाए। चीकू के लिए आम, लो चीकू, चीकू खाओ, लो इसमें आम खाओ। तू ये सफल देखा बाद है हाँ, तो ये फिर है खाए दे, पर्सन लाइक का नहीं है जी, देख लूँ। क्या निकल रहा थी? क्या कर रहा? माटी कोड़ रहा हो? चरबड़ी बन रहा है। बताइएगा।
हजर पापा को भेजा रहा है, ऐसा पूरा रास्ता बना दिया भाई एक कोड़ कोड़ के। तो यहाँ खेत में पानी चला हुआ है और जो भतीजा है मेरा उसको पानी बहुत अच्छा लगता है, खेत में बहुत मिट्टी अच्छी लगती है, तो वो मिट्टी में पानी पानी खेल रहा है। एक बार से उसका मन नहीं भरा, वो दो दो तीन तीन बार गया और पूरा अपना कपड़ा भी गंदा कर लिया। और यहाँ पे पापा लगाए हुए हैं गाय के लिए चारा, और ये गाँव से लेके आए थे कोई घास है, ये बहुत अच्छा घास है, एक एक मुट्ठा निकलता है गाँव गाय के लिए, दो तीन मुट्ठे इसमें से काट लो तो मतलब गाय के लिए पूरा चारा निकल जाएगा। तो ये कोई घास है, तो पापा अभी लगाए हुए हैं, बरसात में खूब बड़े बड़े हो जाएंगे ये घास। तो बस ये सारे नज़ारे हैं, देख लीजिए मेरे घर के पीछे जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इससे बड़ा सुकून मिलता है, थोड़ा फ्रेश एयर भी आता है। तो मैं तो यही सोच रही हूँ कि जिसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन हो यार, घर थोड़ा कम हो लेकिन पेड़ पौधे भी ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पे देखिए अभी उसका बदमाशी चला हुआ है, मिट्टी से बदमाशी कर रहा है। जा पहले, अब हाथ मुंह धो के आना, बहुत पीटेंगे तुमको। मम्मी दिखा दे, पूछ मार दो। तो उसके बाद से हम लोग छत पे चले आए, तो यहाँ भाभी फूल में पानी चला रही है गमलों में। तो इतनी तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है कि एक दिन पानी ना डालो तो सारे गमले ही सूख जाते हैं। तो भाभी सारा पानी वगैरह चला रही हैं, और यहाँ ये फूल कितना प्यारा लग रहा है, रानी कलर का रोज़ है। मेरे यहाँ रिक्वेस्ट के डंठल की सब्ज़ी बनी है, बहुत टेस्टी बनती है, ये देखिए डंठल की उसकी बनी है, डंठल को छील के भाभी बनाई है। और इधर आलू की सब्जी है, मैं जा रही हूँ खाने, तो मेरा खाना इधर निकल चुका है। ये आलू की सब्जी और ये है रिक्वज के डंठल का सब्जी, बहुत टेस्टी बना है। इसके पत्ते हटा के इसकी पकौड़ी बनती है और इसके डंठल की सब्जी बनती है। तो कैसे छील, तो इसको कल भाभी गरम मसाले में बनाई थी और उस पर खटाई की जगह पे टमाटर डाली थी, तो जिसको टमाटर नहीं है वो खटाई भी डाल सकता है, लेकिन भाभी टमाटर डाली थी ताकि जल्दी गल जाए, गलता नहीं है। तो भाभी टमाटर डाली हुई थी और गरम मसाले में बनाई थी, बहुत टेस्टी बना था। ये एकदम काला परत इसका निकल जाता है और ये ग्रीन ग्रीन हो जाती है, देखिए धानी धानी जैसा निकल गया इसमें से, और सच में बहुत टेस्टी सब्जी बनती है इसकी। और इसको बाद इसके बाद इसको इतना छोटा छोटा तोड़ के ऐसे ही सारी, और ऐसे इतना छोटा छोटा इसको तोड़ के ढेर सारा जितना फैमिली हो उतना लेके, मतलब मेरे क्या तो उतना सारी सब्जी बनी थी कल देखे ही थे, तो इसको ऐसे छोटा छोटा इतना तोड़ के इसको पहले छील के, और छीलने के बाद इतना तोड़ के इसको ऐसे इसको भुना जाता है, उसके बाद से इसकी सब्जी बनाई जाती है। मालिश करा रहे भैया से, अच्छा भैया कहाँ मिलेगा, पोटी करके आए हो, मम्मा नंगे करके नहला दिया है पोटी की, तो रात में बज रहा है 10, भैया तुम्हारी मालिश कर रहा है, अच्छा भैया कहाँ मिलेगा बोलो। अब पाउडर लगवा के लगवाओगे, पाउडर लगवा के मालिश करवा रहा है। मुझे आ गया। भैया पाउडर नहीं मिला है, तो फिर मिल गया है पाउडर, तो पाउडर से मिसाई हो रहा है। अरे क्या कर रहे हो गया भैया। हेलो गुड नाइट। तो सुबह से मैं कोई ब्लॉग अच्छे से बनाई नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ब्लॉग बनाई, फिर मेरी तबीयत नहीं थी, कल मुझे रात में फीवर चढ़ गया था और अभी भी मेरी आँख थोड़ी सी वैसे लग रही होगी, और फीवर आज भी है, तो दवा खाई हूँ और अभी भी जस्ट कल्पाल और अन्ना को भी फीवर था, उनको भी दवा खिलाई हूँ। तो माँ बेटा दोनों लोग बीमार पड़े हुए थे। हाँ तो आज घर में बनी हुई थी जो रिकवच का पत्ता होता है उसका डंटा,
डंठल होता है उसकी सब्जी बनी थी, बहुत टेस्टी लग रही थी। तो मैंने ऐसे ही दिखाया, बताया रेसिपी तो नहीं बता पाई, और इसको